हमने तब्दीली लाने की कोशिश की थी hmm. ला नहीं सके yes. लेकिन तब्दीली आए कि अल्टीमेटली अगर इस मुल्क ने सर्वाइव करना है hmm. मुल्क के आवाम ने सर्वाइव करना है और आगे बढ़ना है तो तब्दीली तो ज़रूरी है ये सड़ा बला सिस्टम है इसमें से बदबू आती रही है बहुत देर से आ रही है और वक्त गुजरने के, के साथ साथ hmm. बदबू जो है वो इंटॉल होती जा रही है hmm. तो उसको बदलना है मेरा ख्याल है कि जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं रियासत के अगर वो रियलाइज़ कर लें कि इसको बदलना है मिल बैठे और बदलें तो ज़्यादा बेहतर होगा लेकिन हमारी कमिटमेंट जो है वो रेजोल्यूट है हम करेंगे बिल्कुल जब भी हमें अवाम ने मौका दिया अगर हम दोबारा हुकूमत बना सकते हैं और हमें पूरी उम्मीद है कि इन हम बनाएंगे तो ये तब्दीली तो ज़रूर आएगी जी और इसका हमने आउटलाइन दी है आपको अपने मैनिफेस्टो में आपने कुछ भी किया है सारा कुछ सो बिल्कुल आएगी जी तो ये किस तरीके से मुमकिन हो सकता है फ़ॉर एग्ज़ाम्पल ये एक बड़ा अच्छा पॉइंट है फॉर एग्ज़ाम्पल के आ, <coughs> आवाम प्राइम मिनिस्टर को सेलेक्ट करें अब जिस तरीके से ओवरऑल सिचुएशन चल रही है आ, अक्सरियत तो मिलती हुई एटलीस्ट पब्लिक को एक राय पाई जाती है कि किसी को इस वक्त मिलती हुई नज़र नहीं आ रही है बहुत सैचुरेशन है डिवाइड है फिर एक ही हल्के में इतने ज़्यादा उम्मीदवार खड़े किए हुए हैं वोट्स की डिस्पैरिटी वोट <coughs> है तो इसको किस तरीके से आप लोग मैनेज करना के प्लान कर रहे हैं देखिए दो तीन चीज़ें आ, आपको पता है कि आ, अरसा दाराज हो गया है कि किसी प्राइम मिनिस्टर को कोई भी उसको अपना टैनर मुकम्मल करने नहीं सो आर फोर्सेस वर्किंग बिहाइंड फोर्सेस अनफॉर्चुनेटली उनको मेन स्ट्रीम मेन स्ट्रीम करना है सबको सबको मेन स्ट्रीम करना है और एम्पावरमेंट जो है वो लोगों की करनी है hmm. और इसीलिए हमने ये कहा है कि प्राइम मिनिस्टर जो है वो डायरेक्टली इलेक्ट होगा बिकॉज hmm. एक एक्सपर्टेटिव टेंडेंसी मौजूद होती हैं लास्ट टाइम भी जब हमारी हुकूमत को दूर किया गया था तो आ, हमारे सत्ताईस अट्ठाईस लोग थे वो एक आ, सिंध हाउस में एक इंसानों के जमीरों की मंडी लगी लगाई गई थी और hmm. वो किया गया था ये इससे ममालिक इससे रियासतें आगे नहीं बढ़ती हैं इससे अवाम आगे नहीं बढ़ते हैं इससे वो पीछे की तरफ झुलते हैं और छिहत्तर साल की अगर आप तारीख निकाल लीजिए तो आपको ये मैं जो कह रहा हूँ इसकी सदाकत का एहसास हो जाएगा तो इसको ख़त्म करने के लिए एक तरफ तो हम एमपावर कर रहे हैं लोगों को दूसरी तरफ जो तो बात आपने की है कि ये मैं उसको एक डिफरेंट कराए में बयान करता हूँ कि ये रियासत जो है ये जख़्म खोड़ता है और इसके ज़ख्मों से सुकून जो है वो रिस रहा है रहा है। अब किसी ने तो मरम ना किसी सो so, उसका हमने कहा है कि जी ट्रूथ एंडियशन कमीशन आप बनाइए लेकिन उसका लोग समझते नहीं है कि ट्रूथ एंड कमीशन का मतलब ये नहीं है कि जी लोगों को माफ कर दिया जाएगा कि अगर किसी ने कोई जुर्म किया है या किसी नहीं। नहीं। ने इस मुल्क को लूटा है तो उसको माफ कर दिया जाएगा द वर्ड द फर्स्ट वर्ड इज ट्रूथ

हम लोग इन्फोर्स करेंगे और उसकी बेसिस के ऊपर हम चाहेंगे कि एक होमोजेनिटी एक हमनी सी सोसाइटल जो है वो उसको क्रिएट किया जाए इस वक्त शायद मैंने हम हम लोगों ने अपने मैनिफेस्टो में भी कहा है कि सोसाइटल डिविशन्स बहुत है सोसाइटल डिविशन्स मल्टीपल मल्टीपल लाइंस के ऊपर हैं hmm. आपकी आपकी इकोनॉमिक लाइंस के ऊपर हैं आपकी सोशल लाइंस के ऊपर हैं मल्टीपल अदर लाइंस बेसिकली ये दो चार दिनों का या दो चार हफ्तों या दो चार सालों का, का काम नहीं है ये हमें करना पड़ेगा कि एक नेशनल चार्टर अडॉप्ट करना पड़ेगा और उसको लेके आगे बढ़ना पड़ेगा जो भी हुकूमत हो उसकी कमिटमेंट होनी चाहिए कि उसको कंटिन्यू करें ताकि रियासत जो है वो सफर ना करे हाँ अपने अपने मैनिफेस्टोस लेके अपने अपने एजेंडाज आप डेफिनेटली इंप्लीमेंट करें लेकिन यह कि जो एक र्चिंग जिसे कहता, कहना चाहिए कि एक नेशनल पॉलिसी जो, हाँ, जो होनी hmm. चाहिए कि जी हमने माशरे में ये नहीं होने देना hmm. वो एक कॉमन फैक्टर होना चाहिए तमाम लोगों के दरमियान तमाम पॉलिटिशन के दरमियान ताकि वो लेके उसको आगे बढ़ते रहे अच्छा अरोफ साहब ये भी बताइएगा कि तहरीक इंसाफ को इलेक्शन कैंपेन रन नहीं करने दी जा रही है कल भी हमने देखा है कि रैलीस निकाली गई हैं और उनमें गिरफ्तारिया अमल में लाई गई हैं पुलिस की जानव से और अगर सोशल मीडिया की बात करें तो अगर तहरीक इंसाफ कुछ सोशल मीडिया पर करती है तो भी वहाँ पे ब्लॉक कर दिया जाता है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को अब जो आगे आठ या दस दिन रह चुके हैं इनमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कैसे प्लान कर रही है इलेक्शन कैंपेन रन करने के लिए ये सब कुछ जो आपने बयान किया ये हकीकत है लेकिन उसके बावजूद हमारे मिनिस्ट्री ऑफ इन्फॉर्मेशन जो है

जहां भी हम लोगों ने रैलीस निकालने की कोशिश की है उनके ऊपर पुलिस की प्रूटैलिटी जो उन्होंने की है उनको रोका है लोगों को गिरफ्तार किया है लो, रात को लोगों के घरों में छापे मरे हैं बल्कि परसों से छापे पड़ने शुरू हो गए हुए कि वो ना निकल सके तो एक तरफ तो जहन में ये चीज़ आती है कि जी कितना खौफ है उस एक शख्स का जिसका नाम इमरान खान है कि जी उसको ब्लॉक करने के लिए रियासत की तमाम फोर्सेज जो हैं वो इकट्ठी हो गई है यकजा हो गई है कि जी इस शख्स को नहीं आने देना खड़ा होकर मेरे सामने यहां बैठ के बताए कि उस शख्स ने किया क्या है hmm. बताए कोई आके किसी में हिम्मत है तो बताए वो लोग जो कि सब कुछ ये, प्लान करके एक्सिक्यूट कर रहे हैं मैं आपने आपको ऑफर करता हूँ घड़ी <laughs> की बात करते घड़ियों <laughs> की।, तो की बात तो और भी बड़ी हो जाएगी फिर गाड़ियों की भी बात होगी <laughs> फिर वो फ्राइंग पैन की भी बात होगी तो वो तो फिर लंबी कहानी चला देंगे आप बट आई एमिंग जी खान ने इस तरीके से मुल्क को खराब किया मैं बताऊंगा कि उसने किया क्या एक्चुअली के लिए तो आ, कुछ कुछ हकीकतें जिनको कबूलना चाहिए hmm. अगर इंसान ने आगे बढ़ना है जमाने में मैं भी इतनी उम्र गुजारने के बाद भी यकीन जानिए कि टाइम टू टाइम बहुत सारी बेटर हकायक को कबूल करना पड़ता है hmm. और फिर आगे बढ़ता है अगर आप उसको फाइट करते रहेंगे और एक ऐसा नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश करेंगे जो कि फॉल्स है जो गलत है जो रियलिटी बेस्ड hmm. नहीं है तो फिर यह है कि जो आपकी जो जड़ें हैं वो कमजोर होती जाएंगी इज वी सीन इन अच्छा सर ये misinformation, misinformation की भी आपने बात की थी उसमें ये भी जो है लेबल किया जाता है पाकिस्तान तरीके इंसाफ और उनके जो सोशल मीडिया मैनेजर्स <coughs> हैं या सपोर्टर्स हैं वॉल्टियर्स हैं उनका भी एक अहम किरदार है इन स्प्रेडिंग डिसंफॉर्मेशन कुछ वीडियोज होती हैं जो कि बहुत पुरानी होती हैं और उनको आज का कर करके जो है स्प्रेड किया जाता है जैसे भी मैं एक मिसाल भी देता हूँ एक बड़े आ, सीनियर यूट्यूबर कहना चाहिए एंकर तो वो नहीं है इमरान रियाज साहब ने उन्होंने भी एक कश्मीर की वीडियो थी आ, इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर की वीडियो थी वो शेयर की हुई थी लेबलिंग इट आ, पाकिस्तान की हाउ इम्पोर्टेंट इज़ दैट और क्या ये डिसनफॉर्मेशन रुक जानी चाहिए पेशेंट जो है वो रुकनी चाहिए ये तो एक तयशुदा हकीकत है लेकिन उसको कैसे रोकना है सवाल ये है और मुश्किल ये है आप हमारे सोशल मीडिया की बात कर रहे हैं हम लोगों हमारा सोशल मीडिया टोटल सारी दुनिया में फैला हुआ है और वो हमने हायर नहीं किया हुआ ये सब वॉल्टियर्स हैं हमारे इस एक अंदाजे के मुताबिक तक बीस हज़ार के करीब ये वॉल्टियर्स हैं अब उनकी ज़ुबान को तो आप रोक नहीं सकते उनके दिमाग को आप नहीं सोचने से बंद कर सकते तो उनके जहन में अपनी इन्फॉर्मेशन की बेसिस के ऊपर जो चीज़ भी आती है वो लिखते हैं मुझे भी नहीं छोड़ते hmm. आप मेरे जाके टाइम लाइन के ऊपर देखिए क्या क्या कमेंट्स आए हुए हैं hmm. तो मैं छोड़ छोड़ता सो द बेस्ट वे इज़ के जी अगर वो सच नहीं है hmm. तो आप कन्फर्न करने की बजाय ओवर करें hmm. तो मैं तो ये करता हूँ लेकिन डिस का एक बहुत मेजर क्राइसिस है बारे में कोई शक नहीं है और मेरा आप लोग जो बैठे हुए mm. सब कुछ करते हैं आप भी इसके विक्ट होते होंगे हम लोग भी इसके विकटम्स होते हैं, mm. हैं mm. तो यहाँ भी एक मेरा ख्याल है कि एक सिर्फ uh, पॉलिसी की जरूरत है जो mm. कि अडॉप्ट uh, की जाए और पार्लियामेंट इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म जहाँ से ये होना चाहिए एंड इट शुड बी अ मल्टी पार्टी अंडरस्टैंडिंग एंड एग्रीमेंट के ये चीजें जो है कुछ चीजें उनमें से एक mm. वो उनको ख़त्म करने के लिए कोशिश अच्छा नेशनल पॉलिसी की आपने बात की थी स्टार्ट में और नेशनल पॉलिसी को कंसिस्टेंट रखने के लिए बहुत ज़रूरी है कि सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ मिल के चला जाए खान साहब की पॉलिसी जो है वो रही है कि मैं इनसे बात नहीं करूँगा ये चोर हैं ये वो हैं ब्ला 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 लेकिन इन मेनटेनिंग इन द फ्यूचर मेनटेनिंग जैसी जैसे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कहती है कि चार्टर ऑफ इकॉनमी हो जाना चाहिए अब वक्त की ज़रूरत है

हमने जब भी इन लोगों से बात करने की कोशिश की जब हुकूमत में भी थे उस वक्त भी जब बात करने की कोशिश की तो उस वक्त इनकी एक डिमांड होती थी एन आर ओ कि जी हमें वो छोड़ दीजिए सारा कुछ चूंकि हमसे नहीं मिल सका हमारी हुकूमत को गिराया गया अब उन्होंने द पावर्स तेट पी उनसे ले लिया एन आर ओ दो तो हफ्तों में उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने उनके तमाम अरबा रुपये के जो करप्शन के केसेस जो के नो ओपन एंड शर्ट केसेस थे उनको कर दिया अब ये भी एक मतलब मातम का मकाम है तो hmm. मुझे हमेशा साहब की लाइन याद आती है ये मातमे वक्त की खड़ी है इस वक्त इस मुल्क में जो हुआ है पिछले तीन चार महीने oh. में वो ऑनस्टली वो मातमे वक्त की खड़ी है आपका हर इंस्टीट्यूशन बिक चुका हुआ है हर इंस्टीट्यूशन बिक चुका हुआ है मुल्क कहा जाएगा लोग कहां जाएंगे बात करने का मैंने एक प्रोग्राम में पहले भी बैठ कर कोई पता तो चले कि क्या चीज डिस्कस करना चाहते हैं आपने कहा कि जी एक चार्टर ऑफ इकोनॉमी है hmm. अब इलेक्शन हो जाने थे उसके बाद देखते हैं कि क्या आता है कौन आता है हुकूमत करने के लिए देखिए मुल्क एक कॉमन फैक्टर होता है रियासत एक कॉमन फैक्टर है अगर हम लोग यहाँ पॉलिटिक्स करते हैं या कोई और पोलिटिकल पार्टी यहाँ पॉलिटिक्स करती है तो रियासत को कॉम्प्रोमाइज नहीं होने देना चाहिए और दूसरा एक जो एक रियालिटी एक कॉन्स्टेंट है वो आवाम है लोगों के इंटरेस्ट को कॉम्प्रोमाइज ना होने दे हमारा सारा मैनिफेस्टो इन दो चीजों को लेके आगे बढ़ता है जो भी हमने कहा है उसमें कभी आप डिटेल में मेरे साथ डिस्कशन करें सो

ट दे एक्चुअली पार्टनर्स रनिंग गवर्नमेंट टुगेदर आज देखिए सो so ये जो पॉलिटिक्स hmm. में ये जो छिछोरापन है और जो छोटापन है hmm. ये नहीं होना चाहिए पॉलिटिक्स शुड बी इश्यूज बेस्ड एंड सोल्यूशन जी मसाइल क्या है और इनके हल, क्या हल है? क्या है। hmm. ये एक दूसरे के ऊपर ऊपर गाली देना और ये करना और वो करना हाँ वो भी hmm. हमने ट्रूथ की भी बात की आपने कहा hmm. हमने बात मिल नहीं करना उनको तो ठीक है ये लोग सामने आए कुछ थोड़ा बड़ापन दिखाएं कहे जी कि गलतियां हुई हैं ये हुआ है तो मुल्क आगे चलेगा मुल्क आगे चलेगा और घड़ी की जो बात की है भाई चलिए <laughs> छोड़ते अच्छा सर छोड़ नून, नून लीग का सारा जो नैरेटिव है वो इसी बात पर बेस्ड है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इज रिस्पॉन्सिबल uh, मुल्क की जो मीशत बर्बाद हुई है और जो महंगाई हुई है जीडीपी ग्रोथ रेट कब हुई थी लास्ट टाइम लेकिन नेशनल बॉडीज जो थी ब्लूमबर्ग एंड एवरीबडी एल्स उनकी अब स्टेटमेंट पढ़ी है कि जब हमारी हुकूमत को गिराया गया उस वक्त मुल्क की इकॉनमी ये जा रही थी from minus zero from two and a quarter years of covid hmm. and all those things we were able to bring it up to 6.1 which was the highest ever in about 20 years

अपने गालम गलोच की सियासत की बात की हमने खान साहब को उनके ही जलसों में बहुत दफा देखा है नाम बिगाड़ते हुए और मतलब यह चीज ओवरऑल जो है मेरे, मैं समझता हूं कि खत्म होनी चाहिए एक पोलाइट सियासत होनी चाहिए वटि से मैं बिल्कुल उसका हामी होना चाहिए

वो आप फिर आपको एक एक कंपैरिजन जो है ना करने में वो बड़ी आसानी होगी सही डज ही स्टैंड एंड वे टू द रेस्ट तो क्लैरिटी है अच्छा तो सर इट इज बड़ी ऑब्वियस के तरीके इंसाफ को लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रहा है अभी सो कैन वी एक्सपेक्ट कि 8 फरवरी को तरीके इंसाफ हमें कोई सरप्राइज देगी इनशाला इन वट दैट वुड आज इलेक्शन देखिए फरवरी को सरप्राइज डिपेंड करता है कि फरवरी को किया क्या जाता है इलेक्शन करवाए जाते हैं या झरलू करवाया जाता है हमारी तो मतलब तो खौफ हमारा यही है कि झड़लू होगा हर तरह से इन्होंने रास्ते बंद किए हुए हैं हमें ये भी पता चल रहा है कि लोगों को वोट डालने की भी इजाजत नहीं होगी रोकेंगे उनको ब्लॉक करेंगे हमारे पोलिंग एजेंट्स को किडनैप किया जाएगा जैसे इन्होंने हमारे वो एंड सेकेंडरीज को किडनैप किया है उनको पकड़ा है सो हर किस्म का रास्ता एक देखिए एक 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 एजेंडा आइटम नंबर वन है कि जी खान साहब को इकतेदार में नहीं आने देना ठीक है आप खान साहब को इकतेदार में आने के लिए ना आने के लिए मतलब ये सारा कुछ किया है इन्होंने जो कर रहे हैं और मेरा ख्याल है कि आइंदा भी करते रहेंगे जब तक कि सैनिटी सैनिटी मस्ट रिटर्न आप खान साहब को डैमेज करके मुल्क को डैमेज कर रहे हैं रियासत को डैमेज कर रहे हैं किसका फायदा हो रहा है अच्छा मेरा आपका किसी का नहीं फायदा हो रहा हमारा सारों का जो इंटरेस्ट है वो लिंक है रियासत के इंटरेस्ट के साथ

मौलाना साहब को हो रहा है बहर वो कहते थे कि मदीने मदीने की रियासत जैसी बातें मैं भी कर सकता हूं लेकिन मैं जमीनी हकायक से जो है वाकिफ हूं अब ये जमीनी हक क्या है और उनकी इस स्टेटमेंट को किस तरीके से आप जो है एनालाइज़ करते हैं जमीनी हकायक जो है मैं हमेशा ये कहता हूँ ना कीजिएगा सारा कुछ नई होप इन सिबल को हर कोई चोर नजर आता है को हर कोई झूठा नजर आता है कातिल को शायद हर कोई कातिल नजर आता होगा ये एक साइकी है ये है साइकी तो मौलाना साहब इससे ज्यादा मैं क्या कहूँ वो जमीनी हकैक जो है वो उनके नजदीक गायबी मदद है उनकी जो गायबी इन्वर्टेड कॉमर्स में अल्लाह सब पे रहम करे अपना

तो आप उन्हें देख रहे हैं सदर पाकिस्तान बनते हुए हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर पे दम दूसरी बार उन्होंने मातम की घड़ी होगी जिस दिन मौलाना रहमान साहब जो है वो सदर पाकिस्तान का ताज पहने unfortunately i'm sorry ویسے पिक्चर कर सकते हैं हम लोग यू नो वहां पे <laughs> आप मुझे प्रोवोक रहे हैं बार-बार बट i'm restraining myself ऐसे अच्छा राव साहब आप 8 फरवरी फर के इंतखाबात चलें हो जाएंगे इंतखाबात होना भी एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी आउट ऑफ ऑल द सरकमस्टेंसेस और जो हमने आ, पास्ट में देखा है एक एक पॉजिटिव स्टेप होगा उसके बाद आप क्या देख रहे हैं मुल्क में <coughs> देखिए पहले पहला तो स्टेप वही है जो मैंने पहले भी अर्ज किया आपके साथ कि जी उस दिन होता क्या है इलेक्शन होते हैं कि झरलू होते हैं देखिए है। इलेक्शन होगा तो उसके अपने कॉन्सिक्वेंस होंगे झरलू होगा तो उसके अपने कॉन्सिक्वेंस होंगे आई होप एंड प्रे टू गॉड जी इलेक्शन होने दे बल्कि मैंने अपनी तहरीरों में बारहा लिखा है hmm. मैंने कहा जी इलेक्शन हो जाने दे इलेक्शन एक फंडामेंटल रिक्वायरमेंट है किसी hmm. भी रियासत के लिए सर्वाइव करने को मतलब hmm. तो तो एक डेमोक्रेसी खास कर जो है इसको ना करें टेम्पर ना करें लेट द पर्सन विद जेनुअन पीपल्स मैंडेट कम एंड रूल दिस कंट्री खान साहब आए या कोई और आए फ्रेंकली लेकिन इट मस्ट बी द आउटकम ऑफ अ जेनुअन इलेक्शन नॉट अ झरलो इलेक्शन तो ये है उसके बाद अगर नहीं होता तो फिर उसके कॉन्सिक्वेंस तो मैं तो आ, मैं सॉरी बट मुझे प्रॉब्लम्स नजर सर सलम जावेद साहिबा की भी बेल हो चुकी है उस हल्के को मरियम नवाज साहेब और उनके कॉम्पिटिशन को कैसे देखें बेल तो नहीं हुई उनकी

तो ख्वाहिश जो है, जो खान जो है।, है मेरी अशद ख्वाहिश है कि खान साहब आएं लीड करें ये मिसिंग हिम डिस्परेटली मिसिंग हिम बट के जो इंटेंशंस है इस वक्त और पावर विल्डर्स जो उनकी इंटेंशंस में मुझे वो बाहर आते नजर नहीं आ रहे